की बात करें काजी खान या खान जो राइटर है मुंडिया जी, मैं इन बातों से सहमत हूँ। मैं तस्करा करा बोले मेहमानों का जनाब हाजी नाजुल इस्लाम साहब लोनिया रे श्री सफर सिद्दीकी और रोस्तम साहब डायरेक्टर आप हमारा पब्लिक स्कूल आप को था जनाब अतीक आसमी साहब जनाब जनाब उस्ताद साहब मुंडिया, इनके अलावा मैं अपने साथी स्कॉलर हमजा और उस्ताद का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाइव टिकट पर तमाम लोगों का स्वागत कर रहा हूँ, दर्शकों का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो दर्शक हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं हृदय की गहराई से। चाहे हमारे दर्शक यहाँ मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया। शादाब आलम साहब, शादाब आलम आलिम ग्रुप बद्दोपुर लाइव क्रिकेट और कमर आसिफ कसम माहौल फेसबुक पर और आजमगढ़ एक्सप्रेस टूर्नामेंट लाइव का शुरुआत है। बैटिंग पावर प्ले यहां पर दिखाया जा रहा है। सॉरी दौर में सारे खिलाड़ी इस बार को नोट करेंगे ग्राउंड के अंदर चार मरतबा जो बैट्समैन या फील्डरों के लिए चार चार मौके हैं ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने के, कॉन्फिडेंस करने के, कोई चैलेंज करने के, पानी पिलाने के लिए दस रन के मुकाबले में, तो ये फील्डिंग की जमात हो चुकी है, बल्लेबाजी पहुंच चुके हैं। दस ओवर का मुकाबला खेला जाएगा, दोनों टीम इस बात को नोट कर लें। बल्लेबाजी कर रही है और यहाँ पर डायमंड 11 की जो टीम है वो फील्डिंग कर रही है। स्ट्राइक पर है यहाँ पर मेरे ग्राउंड डीजे के और प्रफुल्ल यादव, ये अखिलेश यादव को बल्लेबाजी सौंपी गई है। अखिलेश यादव के ऊपर पहले बड़ी जिम्मेदारी है, तो अखिलेश यादव इस पर तैयार हो रहे हैं। विजय गेल और प्रफुल्ल यादव प्रफुल्ल नाम स्टैग्रेन पर 45 मिनट के अंदर आपको 10 बार डिलीवर करना है। तो विनय गेल और प्रफुल्ल की जोड़ी मैदान पर है। विजय गेल और प्रफुल्ल की जोड़ी मैदान पर है, एक बेहतरीन जोड़ी मैदान पर है। विजय गोले ये मुंह से गुलाम करते हैं, अच्छी गेंदी सिरों गेंद बिल्कुल सिर और डिलीवरी इसने फंसाया बैट्समैन मिस्टर विजय गिल को बढ़िया नाम और एक बढ़िया गेंदबाज विजय गिल सामना करने की शाम भी बड़ा खतरनाक है। विजय गिल का अच्छी गेंद लेकिन थोड़ा सा दिशा रखती है और सिर्फ गेंद बल्ले की लाइन मिला गई लाइन से खूबसूरती के साथ खेल किया चार रन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ओपन मैच के इतने मुकाबले हुए हैं, 70-70 हुए हैं, लेकिन तो साल जो विलंब हुआ है इसको देखते हुए 8 ओवर का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन डिसीजन नहीं लिया गया था मेरल। और अब ये इस मुकाबले के बाद इंशाल्लाह जब टॉस होने जाएगा टॉस के बाद बताया जाएगा कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला कितने बार खेला जाएगा। यहाँ रोज एक टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, जैसा कि दो टीम अब तक सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। अब हमजा एंड कंपनी नियाउश ठीक है भाई
फरहान का अर्मेनियन पब्लिक स्कूल टूटी सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। जी हाँ, एक और बेहतर शॉट है, अगली बने चुके फील्डर वहां पर मौजूद है। ये इतनी फील्डर को भूला है, कोई गैप भूलने में बैट्समैन निश्चर विजय किल असक्षम है। बड़े एक अच्छी कोशिश से अच्छा प्रयास इतना के साथ देखो फिंस किया आखिरी के थे पहले ओवर ही ओवर की समाप्ति की घोषणा की अंबानी सुबह की समाप्ति के बाद बिना किसी क्षति के इसको 13 पर देखा जा रहा है। टॉस रसी एलिमेंट स्पोर्ट्स के दोनों अहम जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। पीली मास अपने टीम की बुनियाद रखता है, उम्मीद करता है। भाई वाले इंडियंस गेंद पर कड़ी नजर रखें और मैं अपने दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूं, गेंद अगर आपके पास जाए तो गेंद को ग्राउंड के अंदर पहुंचा दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों अब शमशाद को आएगा जाना पहचाना चेहरा दुबला पतला शरीर शरारा बदन एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक है, हल्का फुल्का शरीर हो तीस की बॉलिंग करने के जाने आते हैं मिस्टर शमशाद, तैयार होते हुए शमशाद और जो बताया है करने का फैसला इस ओवर में अब जो ओवर में जाने का फैसला किया है मिस्टर पहले गेंद दूसरी अच्छी गेंद के शरीर के अंदर कितना लचकपन देखा गया, बिल्कुल लचकदार शरीर दिल्ली को नीचे किया कमर की बल नीचे गए लोअर फुटपाथ थे लेकिन स्टंपर ने कलाइयों की मदद से यह दो रन किया था इस वाले क्षेत्र में चार रन से लिए। अब प्यारा अंदाज है गुरमन को भाग गया पर होगा बल्लेबाजी करने का जो स्टाइल है वो बहुत प्यारा है निश्चर पर होगा शानदार स्टोर। बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी टूर्नामेंट देख रहे हैं, हिंदुस्तान की बाहर भी टूर्नामेंट देख रहे हैं फेसबुक पर। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने घर बार को छोड़कर रोजी रोटी के सिलसिले में प्रदेश की गलियों में टहल रहे हैं और वहां से लोगों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, अपने बच्चों को अपने घरों को मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बीच अच्छी गेंद लेकिन क्या लाजवाब है खिलाड़ियों ने तनखम इतना हो तो ये गुलाब के बाद उत्तर से निशान लगाए जाते हैं वही तरह के पटोल ने तनखम निकालने खिलाड़ियों का जैसे देखा कि राम स्तंभ पर वह कुछ हो रही बिल्कुल क्रिस की गहराई को भाप में नीचे गए और खूबसूरती के संबंध में खींच कर लंबा करते हुए खिलाड़ियों की पूरी ताकत जोड़ दिया था गुलाब के बाद 6 रन के लिए। क्या लाजवाब छक्का ये रसी एलेवन स्पोर्ट्स के सगड़ी की दोनों बुरी ही बेहतरीन बल्लेबाज जी जी हाँ हाफिज इस्तफाद अहमद साहब डायमंड एंड कंपनी लखनऊ और रजी स्पोर्ट्स की कुछ मुकाबले हो रहा है आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हाफिज दोस्तों हाफिज इस्तफाद साहब एंड कंपनी डायमंड कंपनी लखनऊ ये क्षेत्र रक्षा कर रही है। बल्लेबाजी एक और शानदार चौका एक और चौके का बिल बजाया प्रफुल ने दूसरे ओवर में खतरनाक मोड में आता हुआ प्रफुल खतरनाक रोड धार करता हुआ प्रफुल कितनी भी तारीफ की जाए कम है प्रफुल की ये अलग बात है किसी खिलाड़ी का सर प्रदर्शन कोताही लापरवाही किसी एक के लिए हार हार बनती है लेकिन किसी एक खिलाड़ी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता मायूस में दिल से सवाल ही नहीं जाता और कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता इसलिए हर खिलाड़ी को अपना बचाव खुद करना होगा वो तरतीब वो तकनीक ढूंढना होगा अपने टीम के 100% देना होगा 100% खड़ा उतरना होगा अपने जान की बाजी लगाना होगा अपने आप को प्रस्तुत करना होगा क्योंकि इतनी आसानी से संघर्षन हाथ नहीं लगता है फिलहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है तब जाकर एक दूसरे ऊपर दबदबा आता है एक दूसरे ऊपर हुकूमत करने की दिशा से भर के और गेंद जा रही है कन्नैन बॉलिंग के बाहर 4 रन के लिए लेग बाई के सिग्नल आया यहाँ पर पैरों पर लगती हुई गेंद लेकिन शॉट को छोड़ती हुई कन्नैन मान लाइन के बाहर 4 रन के लिए चला है। इतनी क्या कमाल की बल्लेबाजी किया है
हाफिज जनाब इत्तेफाक अहमद साहब के सामने शहनशाह हिंदुस्तान की जानकारी आ रही है। हमारे बच्चों को अपन देख रहे हैं फेसबुक पर, हम मोहतरम जनाब हाफिज इत्तेफाक अहमद साहब के सामने डायमंड कब लखनऊ आंध्र का शुक्रिया अदा करते हैं। वसीम अहमद साहब का इस्तेमाल करते हैं किनारा शॉट, गोली की रफ्तार के मारे गेंद प्लग झपकते हैं इसी मारे का पार, गोलियर शॉट गोली स्ट्रोक लाइन में स्टार पर गोल, बॉल का सिंधा बाउंड्री फुटबॉल रन से खुद शॉट गोली स्टार लाइन में स्टार पर गोल, नाउ डेंजर बैट्समैन मिशन पर गोल एंड एक विजय गई। नाउ टोटल स्कोर 35 कोई विकेट यहाँ पर नहीं गया। 35 रनों की शानदार भागीदारी, दूसरा ओवर चल रहा है, शमशाद के शिखर पर बोले धक्षी वाला होगा पर खशे वाला होगा होश वाला होगा सनसनी फैला दिया हैरत अंगेज बल्लेबाजी अमर बहुत द्वारा। इस बीच एक और बेहतर मिसफील्ड और फिर से ये गई बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए एक और चौका बिल्कुल तबाह किया यहाँ पर फटाफट सारे लोग शेयर कर दो। 10+10 ओवर का मुकाबला है, इसके बाद जो मुकाबला होगा उसमें देखा जाएगा अगर कुछ कम ज्यादा कि तेरी हर बस्ती का मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरे चांदी रवाना कर दिया, पर वो मैं अपने कप्तान से कहा कि तेरी बस्ती का मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरे चांदी रवाना कर दिया, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका मान सीमा किसी नुकसान की है भाई बैंडेज में भाई बैंडेज में आगे ना सर किसी खिलाड़ी को चुकाई है भाई लाइक तक नहीं हुआ है अभी तक। लाइक तो कर दो भाई, लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक तो कर दो। फर्स्ट और भेजे गए तो यहाँ पर 42 रन रहा है, कोई विकेट नहीं गिरा, एक अच्छी खबर आ रही यहाँ पर रियाज से स्पोर्ट्स के कप्तान की अच्छी खबर कि अपने छोटी मैदान पर कोई विकेट नहीं गिरा और यहाँ पर 42 रन की साझेदारी कर लिया है दोनों सारे बल्लेबाजों ने। क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर किया है दोनों बल्लेबाजों ने, तारीफ करनी होगी। तीसरे बार की पहले के प्योर हो कमेंट्री के डिफरेंस कमेंटर से निशान आउट हो गए और इस खेलना चाह रहे हैं यहाँ पर मिली दो ओवर में 39 रन एक विकेट के नुकसान पर प्रफुल्ल पावरफुल कहा जाता है 6 विकेटों पर 22 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है और उनकी जगह लेने जा रहे हैं अनस शेख। बहुत बड़ा नाम क्रिकेट के गलियारे से जो घूम घूम कर उस पूरे भारत के अंदर लीग खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और ये किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं उम्मीदों को उम्मीद जो टीम है इनके ऊपर जो बहुत सारा अंतर है रियायतें लगे टीम लेकिन देखते हैं किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रहती है। और मैं देख रहा हूँ जनाब आफिज इत्तेफाक साहब उनकी पूरी टीम जो ये मुकाबला है वो देख रहे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ जो ये डायमंड क्लब लखनऊ है उनकी भी टीम है और बहुत सारे हमारे मेहमान जनाब अब्दुल मनान साहब जिनके जो हमारे बड़े रहमान है जो उनके बीच में ये प्रतियोगिता चल रही है लेकिन डायमंड क्लब लखनऊ कितने रनों पर रोक पाती है बहुत बड़ा सवाल है। तो वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अखिलेश को एक सफलता मिल गई बिल्कुल चला चला शाबाश जो पहले का पेच लगाए और ये बड़ी सफलता अखिलेश ने दो गेंदों पर दो विकेट लेकर मैच की जो तस्वीर है अब वो बदल रहे हैं। अभी हैट्रिक विकेट पर है क्या ये जो पीसीएम ग्रुप के आना जो टीम सिटी मार्बल ग्रुप के आना जो हमारे रिहान सर जी साहब और उनकी तरफ से हैट्रिक विकेट पर 300 रुपए क्राउड कैच पर 100 रुपए तो आप चाह रहे मुर्शेद आलम ये राजा को शिकार का युवा बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं
दो विकेट गिरे हैं 39 के ऊपर। दो ओवर में बहुत बढ़िया इनके लिए घटा, लेकिन दो ओवर के बाद जैसे ही मैं देख रहा हूँ मैच जी हाँ, आज डायमंड के साथ है, डायमंड क्लब फर्स्ट एंड जो बॉल से आप तक पहुंचेगा थोड़ा सा समय लगेगा, तो किसी तरीके से कार को चलावान रखे उनकी जो छोटे जो नुकसान आई है मैदान के ऊपर। मंजीत सिंह को जो ऑफ साइड पर वाइट कार्ड जा रही है जो लगे उनके हाथों को छुपी निकली है। तो अब मुशैर आलम और प्रफुल्ल यादव ये हैट्रिक पर है, क्या ये हैट्रिक पूरी होगी इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक बन सकती है। मुशैर आलम का टीम लेके उतरेंगे इससे भी बिना ऑफ साइड में पॉइंट पे और कवर की जाली खेला था जहां पर फील्डर मौजूद है। शेर इनवाइट करते हैं, शेर इनवाइट करते हैं, लाइक करें, पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आफ्ताब सगरी आदम बन गई है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो परिस्थिति है डायमंड क्लब लखनऊ अब बढ़िया दिख रही है मैदान के ऊपर। दो सफलताएं हुए भी नहीं सुन गए इस बार ये चेक बल के अपने शॉट को बच गए उसे बालम बच गए दे दिया वो दूसरा रन भी दे दिया जहाँ एक रन नहीं होने चाहिए जहाँ खेल छोड़ना चाहिए जो की बैटिंग स्पीड अभी मैदान के अंदर बिल्कुल लग के होना चाहिए। उसे बालम बिल्कुल बच गए हैट्रिक से चूक गए लेकिन कैच तो नहीं लेकिन एक दो रन बचाना चाहिए। एक एक रन से मैच की हार जीत होती है कहीं एक विकेट पर आठ रनों की जरूरत पड़ी आपकी टीम को और आपने छक्का लगा दिया तो ये दो रन बहुत याद आएंगे। इसीलिए रन को बहुत बढ़िया गेंदबाजी बहुत बढ़िया बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे बल्लेबाज को ज्यादा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने के लिए। पावर प्ले में तीसरा ओवर है एक ओवर और पावर प्ले में ही वो बैटिंग पावर प्ले जी हाँ शेयर कर दें फटाफट सारे लोग। तीन यहाँ पर समाप्त होता पर क्रूशियल दो विकेट आई और यहाँ पर सिर्फ दो रन खर्च किए। ओवर नंबर तीन यहाँ समाप्त हुआ तीन ओवर में 41 रन दो विकेट के नुकसान पर। मुशैर आलम चार गेंदों पर दो रन प्रफुल्ल छह गेंदों पर 22 रन। ये बैटिंग पावर प्ले और खिलाड़ी को बाउंड्री सीमा के ऊपर लगाया जा सकता है। लाइक करते रहे शेयर करते रहे इनवाइट करते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आफ्ताब मार्क हमारे बीच मैदान से और आफ्ताब साहब मैं चाहूंगा कि आकर जो अपना जो ये अपना जो लंच है वो आप ले लें। अब तरह ये बढ़िया यहाँ पर संसार ने एक ओवर में 22 रन दिए पूर्व गेंदबाजी से हटाया गया है और अब ये सैलेंद्र सल्लू अपने रन को चेक कर रहे हैं। ये मऊ के खिलाड़ी है लेकिन बहुत अच्छा खेल खाते हैं टीम को बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। हालांकि जो अंपायर्स हैं सारी बहुत अच्छे अंपायर्स हैं मेरे मेरे प्रिय मित्रों में से एक है और बहुत अमूल्य अंपायर है इस प्रतियोगिता में। और दूसरे जो अंपायर है शायद शादी सुल्तान साहब और शाद कर रहे हैं जो स्कोरिंग कर रहे हैं मेरे साथ और मैं सुजीत साहब यानी सारे साथ एक साथ शाद शान शादी शादी और प्रफुल्ल बल्लेबाज ही कर रहे हैं सैलेंद्र बल्लेबाजी कर रहे और साहब ये बढ़िया शॉट है क्रिकेट की वो हर अद्भुत का इनके पास है। ये अपने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे और ऐसे विकेट पर इन्हें खेलने का बहुत अच्छा अनुभव है और अपने अनुभव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही गेंद का शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है ऑफ साइड पर कोई जो है बाउंड्री रेखा पर खिलाड़ी नहीं है संसार हालांकि तौर पर मौजूद थे उनको भेजने में कामयाबी हासिल की है। एक गेंद हुई है 45 रन स्कोर के ऊपर 3.1 के जो हमारे फैंस जो हमारे भाई जो इस वक्त मुकाबला लाइव देख रहे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टूर्नामेंट के दरवाजे पर जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं नो बॉल रिवार्ड कर रही है अंपायर सारी में ये फ्री हिट के दरी कहीं है भेद भेद भाई से मुड़ियार का की जो शान है जो गोपाल है मुझको कहीं लगा उसको ना भेद रहने का भी आगे
हासिल कर रहे, अंत तक बच रहे, लेकिन ये जो बल्ला है जो गरज रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पावरफुल का मैदान के ऊपर बहुत तेजी से, और ऐसे विकेट पर ये बहुत अनुभव है खेलने का, और ऐसे विकेट पर ये अक्सर अच्छी परफॉर्मेंस करके देते हैं टीम को। तो अब एक तरह में मुसेब आलम है, दूसरी तरफ जो है प्रफुल्ल बहुत अच्छा स्टार्ट यहीं का खड़ा होने का, बिल्कुल क्रीज के अंदर खड़े रहते हैं। ये जाल में फंसाए हैं क्या, ये कैच होगा, दूर है, बहुत दूर है, नहीं नहीं नहीं, नो मैच लैंड में गेंद गिरी और ये कैच ब्लॉक कर दिया, फ्री थी, लेकिन ये यहां पर एक अंतर शॉट कर दिया गया, माफी चाहता हूं, ये रन जो है नहीं गुड होगी, जो निकल मैच खेलेगी मात्र इस रोली का मुकाबला दो रन खाकर पूरा किए, एक रन मान है और एक रन जो है इन्होंने जो है अंपायर ने शॉट कर दिया, बहुत बढ़िया अंपायरिंग हुई अपना, चाहे वो सारा आलम सारी सत्ताम और सादी सुल्तान रियाज साहब और जो तरह भाई जो भी अब तक की है लाजवाब अंपायरिंग का प्रदर्शन किया है, बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई हार जीत का आकलन अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है, लेकिन अपना 100% मैदान के ऊपर देना चाहिए और समय को ध्यान में रखते हुए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ उसमें 2:53 हो रहे, तो बहुत ज्यादा ये समय हो रहा है, और एक दिन हो रहा है फुल टॉस से, ये होता है कि भरे हाथ रमान भाई का मैच कल है भाई, बिल्कुल फ्री टॉस गेंद, अभी उनके जोन में बल्लेबाज इतने अच्छी फॉर्म में है, अब उनको ऐसी गेंद देंगे कहा तब वो बचेंगे, उसको रोक रनों की संख्या 63 रन, इस ओवर में एक नो बॉल आई है, दो छक्के लगे, एक चौका और एक सिंगल, स्कोर बोर्ड पर 63 रन, ओवरऑल 18 रन चार गेंदों पर आ गए, तीसरा ओवर बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहा था, मैंने देखा मात्र 2 रन दिए थे अखिलेश ने, ये पोलार्ड भी कहा जाता है, लेकिन और गेंदबाजों ने ये अपील की जा रही है, इसीलिए जो मैं उस वक्त बोलता नहीं हूँ जब गेंद डिलीवर होती है, मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ कि गेंद डिलीवर हो जाए उसके बाद मैं अपनी बात को रखूँ, तब कोई बहाने नहीं, अंपायर बिल्कुल अपनी जगह पर रखे गए, कोई फैसला नहीं आया, सारिक साहब और सारिक सुल्तान साहब फैसला नहीं देंगे, मैं अभी तक आउट करा दिया है, थैंक यू सो मच, अब आउट करा दिया है, सारे खिलाड़ी हड़ल में है, बल्लेबाज जा रहे चलकर, तो अब कौन जा रहे, लीजिए एक और मंसर बल्लेबाज महमूद बादशाह, उस टीम में खिलाड़ी है युवा है हसान, बड़ा नाम है, 20 खेलों पर उसने चरेली के मैदान पर सेंचुरी की है, क्या वो लग रहा है महमूद बादशाह जा रहे हैं, मैं माना चाहता हूँ क्योंकि विशाल ने दो हैट्रिक छक्के लगाए थे रहमान सिंधी की जानी से, उनके लिए 300 रुपये का आया था, रहमान सिंधी डायरेक्टर आपके सीएम जो मेरा उत्तराखंड दो हैट्रिक छक्के उन्होंने पूरा किया था विशाल, विशाल विशाल छाऊं अगले मुकाबले में जब उनका शुरू होगा तो ले लेंगे, जी जी बिल्कुल, यहाँ पर स्कोर बुक हो रहा है, 63 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हुए, एक एक चक्कर में दिया ना रन तो ठीक है, 15 रन कम नहीं होते, एक तरीर एक तरीर एक विशाल तो है, इसको लगी है वो गैप पे खेलने का प्रयास था, पॉइंट में जाने वापस भी मौजूद है, सारी के ओवर का यहाँ पर जो खत्म होने का ऐलान कर दिया, लेकिन देखते हैं जो फील्डिंग टीम है उसमें राहुल जैसा बल्लेबाज है, विनय है, रिंकू है, मोनू नजर आ रहे हैं, और इस टीम के पास जो है बढ़िया बीरू जैसा प्लेयर है जो बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके टीम को देते हैं, अमरजीत के पास बढ़िया गेंदबाज है, तो ओवरऑल एक बढ़िया टीम नजर आ रही है, लेकिन इनके सामने जो टीम है महमूद की तरीके से बल्लेबाजी करते, चार ओवर समाप्त हो चुका है,
टाइट है यार। ए बाल आएगा। ए बाल जा मर्जी। मर्जी बाल जा। बोलो। अनाउंसमेंट होता है पहले यहाँ पर टीमों का पता भी नहीं होता है। करण माधव थोड़ा सा लड़की हुई मुझसे मैं माना चाहता हूँ। विशाल तनवी आकार 300 रुपए के नाम में जो हैट्रिक आपने लगाया था ध्यान संजय पीसीएम डायरेक्टर गुरु बाप बेरा बोलता हूँ। जी 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 दामाद पकड़ ले लब दे और इस बीच बहुत ही प्यारा शाह और ये क्राउड का ईश्वर भी यहाँ पर क्राउड रह चुका है। हम संजय डायरेक्टर आप पीसीएम ग्रुप द्वारा तो प्रखंड जाने से 100 रुपए ग्राम है। ये सिर्फ 100 रुपए ग्राम क्राउड रह चुका है। हम संजय पीसीएम डायरेक्टर देहरादून आप उत्तराखंड अगले सुना गया है पहुंचे इसी एक के साथ इस स्कोर का अनुपचा पहुंचा है 70 पर 3-4 के समाप्ति के बाद। जबकि पांच ओवर जारी है अगले उसके आगे पांच ओवर प्रगति पर है। रोहित से विशाल और तनवीर दोनों प्लेयर आ जाए थे मेरी बात समझ में। ध्यान संजय डायरेक्टर आप पीसीएम ग्रुप देहरादून में आने से हैट्रिक चक्कर लगाने पर 300 रुपए का मिली पूरे समय क्रम में हमारे दरवाजे में अच्छी गेंद बहुत ही लाजवाब शॉट दुनिया ने क्रिकेट का सुरक्षित स्थान चुना पसंद किया अपने पसंदीदा एरिया में क्रिकेट की खूबसूरत एरिया में चौका लगाया गया भी महमूद जैसा नाम वैसा काम इतिहास के पन्नों पर ये चर्चा में रहने वाला नाम महमूद का। अच्छा तनवीर साहब आप बैठे हैं जी शुक्रिया धन्यवाद भाई विशाल स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय भाई से यार शिविर में आपका स्वागत है। 75 चौथा चल रहा है बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई है कि कोना लिया बल्ले का कुछ ना कुछ गेंद लेकिन बल्ले जैसे कोई दूसरी गुंजाइश दूसरा कोई अवसर बैट्समैन महमूद के पास यार प्रश्न था सिर्फ गेंद को खेल बच गए और बल्ला चला बच गए लेकिन बल्ले जैसे कोई गुंजाइश सीधा गेंद पर नहीं लगे हाथों में और क्यों आई अगले इस मतलब फिर से कराई विकास पर दी गई कोई बैकअप नहीं कर रहा था रनआउट करने की ख्वाहिश यहाँ पर थी रोमन थी वो इच्छा जाहिर की और थ्रो करने के लिए ऊपर अगले सेकंड देखा कि कोई विकेट यहाँ पर बैकअप नहीं कर रहा है मोहम्मद तारिक पानी से मोहम्मद तारिक साइमी क्राउड कैश पकड़ने वाले मिस्टर मोहम्मद तारिक साइमी जो यहाँ संजरी भाई वेलकम दुबई गो देहरादून जाने से कल देखिएगा भाई कल देखिएगा नुमान भाई का मैच बहुत सारे मेहमान हमारे टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ 76-3-5 के समाप्ति के बाद जनाब इमरान अहमद साहब बैटलर जनाब आफताब आलम और पप्पू साहब खड़ा जनाब अफरोज अहमद साहब उस्मान अहमद साहब टेवरा उस्मान अहमद साहब बोरस अमर जी
गेंद में इजाफा होता है बल्कि रन में इजाफा होता है। फ्री हिट का इशारा है, बोलिंग चांस यहाँ पर बैट्समैन निशा टूटो के लिए टाइटू बनाने के लिए अमर चीर के बाद बढ़िया मौका मिल गया है। टूटो किस तरह बल्ले का देखेगा, क्या इस फ्री हिट को बाउंड्री बना पाएगा, लेकिन मौका है यहाँ पर टूटो के पास, बड़े शॉट ही लेता सकता है पन्ना को सारा खुली लिया जाती है। पहले कमेंट्स और इस मौका ये देखिए किसी ने फिर बॉल का सिग्नल विशाल बिल्कुल कुदरत मेहरबान किस्मत मेहरबान अपने भाग सवार है। एक बैट्समैन को दो दो फ्री एक पर छक्का लगाया है, लंबी स्प्रे पर क्या होगा अमर जी सोचते हुए लंबा वाला खर्चीला बॉल होगा बॉल अमर जी का और इस मात्रा फिर नो बॉल तीसरी लगातार नो गेंद है और फिर यहां पर आ रहे हैं एक रन मिल जाएगा एक को दो में तब्दील करते हुए अभी स्केल पर दो रन आए तीन रन आए हैं दो बैट्समैन फिर से फ्री तीन लगातार नो गेंद कितनी गैर सिमेदाना के पारी लाइन लेन पर नियंत्रण रख पाए हैं अमर शीर दिशाहीन में वेरी बैड पुअर डिलीवरी नियंत्रण रखना होगा सिटी की लाइन से आना होगा वरना ये विकेट बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही आईने की तरह साफ है। इस विकेट पर आप इतना भटेंगे तो बल्लेबाज आपको इस कदर भटका देगा टीम ऐसे खाई में जाकर गिरेगी ऐसे कुएं में जाएगी जहां से कई सवाल के जवाब हल करने पड़ेंगे कई प्रश्न आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे तो ऐसी गलतियों से बचना होगा। फ्री एक और भैया सामने से बैठ जाएगा तो तीन तीन बार किसी एक बल्लेबाज को फ्री रन मिला है तो इस टूर्नामेंट में एक बल्लेबाज को लगातार तीन मतों फील्ड में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है किसी बल्लेबाज को स्कलर मौका दिया जा रहा है अंजे डालने का निगाह जमाने का अपने विकेट पर स्वच्छ करने का ये कॉमन लग रहा है फील्डर यहाँ पर लेकिन जब किसी बैट्समैन को इतना मौका दिया जाएगा नजर जमाने का पंजे गाड़ने का बल्ले का मुंह खोलने का फेस खोलने का इतना मौका दिया जाए भाषण होगा यानी कहावत ये होती है कि आप आए मुस्लिम किसी भी बैट्समैन को इतना मौका दिया जाएगा तो हर्ष नहीं होगा ऐसी गलतियों से बचना होगा ना चाहते गलतियां होती है लेकिन ऐसे में सत्रह रन आए इस वक्त नौ गेंदे अब तक क्लियर हो चुकी है तीन नौ के साथ एक वाइट अब तक नौ गेंदे क्लियर हुई है तो ये आखिरी गेंद थी इसका सम्मान देवरा गेंद खतरनाक और एक उम्र बदलते हुए कांटा बदला है गेंद ने और फिर इस वक्त खात्मक ढंग से अब हमसा ने बैटर पैड को साफ किया अष्ट और गेंद को दूर किया गया और की समाप्ति ऑर्गेनाइजर प्रबंधन जो है जनाब यह खान मुंडिया मिस्टर खान मिस्टर यूसुफ डब्बल और जनाब सराख्ता साहब गुड्डू जनाब सादिक खान जनाब शकील अहमद साहब और मिस्टर इरफान अहमद साहब जनाब परवेज अहमद साहब जनाब कमर आलम साहब जनाब दरिया आलम साहब ये वो नाम है जिन्होंने शराबारे को मजा मिल गया जिन्होंने इस भाई जेड को बल्कि मैं जो क्रिकेट एक नया मोड़ एक नया लिबादा एक नई रोशनी एक नया प्रकाश मुकम्मल ग्रंथ देकर इस दूषित क्रिकेट टेनिस बॉल के टूर्नामेंट को एक नया रंग और आहंग दिया एक नया रंग और रूप दिया है। मैं इस बात के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बार-बार धन्यवाद बधाई दे रहा हूं और अपने दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मौजूद है यहां पर देख रहे हैं और जो लोग आउट ऑफ स्टेट हैं आउट ऑफ कंट्री हैं उन तमाम दर्शकों का जो शुक्रिया अदा करते हैं मोस्ट वेलकम इस सिलसिले के सिलसिले में तमाम लोगों का हम स्वागत है शहनाज अहमद साहब मोहम्मद फैसल साहब सुल्तान सादिक अबू हमजा वबैद अहमद ये वॉलंटियर्स हैं ये प्रेस भाई हैं इस सिलसिले के टूर्नामेंट में
एक और सिंगल छठावा शुरू हुआ कमेंट्री ग्रेस निशान तो मैं देख रहा हूँ 6.1 के वही है ये हरीश साहब तो हमेशा मेरे ओवर की कमेंट्री कर ले जा रहे हैं साहब चलिए कोई नहीं 97 रन जो देख रहा हूँ 5 विकेट के नुकसान पर है वीरू के हाथ में गेंद सौंपी है वीरू श्रीवास्तव आजमगढ़ के खिलाड़ी जिन्हें लोग प्यार से वीरू सहस्रबुद्धि कहते हैं ये है हमजा अमीर हमजा लेकिन जो उनके सामने जो विध्वंसक बल्लेबाज है विकास और पीटू यादव बहुत बड़े क्रिकेटरों में से एक रहे लेकिन दोस्त जो क्रिकेट खेलते हैं वो समझ रहे हैं बहुत बड़ा शॉट है ये मिड विकेट की दिशा में अमीर हमजा के बल्ले से क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ देख लिया भाप लिया अपना एक्सपीरियंस टीम का स्कोर पहुंचा है 103 के योग पर यह क्राउड कैच भी हुआ है मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर रेहान संजरी साहब के पीसीएल ग्रुप के डायरेक्टर है उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम जा रहे हैं अमीर हमजा साहब जो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है अपने समय के आज हमने जो है बात की थी शर्मा से कप्तानी को लेकर उन्होंने कई जो नाम गिनाए उनमें एक अमीर हमजा का भी नाम था तो अब देखते हैं क्रिकेट मैदान के ऊपर रज्जी स्पोर्ट्स सगड़ी 103 का लीड पीटू ये कौन का स्ट्रोक खेला है उसके पीछे फील्डर है अगर जीत गई दर्शक बनकर रह जाएंगे ये उनके स्लॉट में भी पार किया है पार्किंग लॉट में लौट आया है क्या वो माही माही मार रहा है 7 नंबर के खेल में ये हैट्रिक पर है क्या ये रेहान संजरी साहब पीसीएल ग्रुप के जो डायरेक्टर है उनके तरफ से क्या ये वे एक एक संभवतः इस ओवर में आना बाकी है क्या वो हैट्रिक पूरी होगी या नहीं ये अपने ही जाल में फंसाए ये 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 कैच 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 पकड़ लिया यहां पर बाशी आसिफ चमराड़ी शुक्रिया दोस्त आप कम से कम इस प्रतियोगिता की जीत बने हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इलिया खान साहब और राजीव खान साहब जो नेतृत्व में खेल रहे हैं जा रहे हसन जो ग्रामीण की एक खोज कहेंगे अब ये कैसे बल्लेबाजी करते हैं और ये हसन बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं लेकिन ये जो विकेट है देख रहा हूँ कि एकदम आखिरी शिक्षण मिलकर आ गया है पीटू की जो दोस्त में बात करा था 109 रन है 7 ओवर की समाप्ति पर पीटू एक वक्त था इसी मैदान पर जब ये आए थे बनारस की टीम में तो 6 विकेट गिर गई थी उसके बाद इन्होंने मुकाबला जिताया था ये वो पीटू है जिसकी मांग बिहार में है जिसकी मांग झारखंड में लेकिन आज इनका खेल जो है पिछले 2 सालों में कमजोर हुआ है उसकी वजह जानते हैं कि उनका खेल की कमजोर हुआ लेकिन इसके जैसा खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं कि टेनिस क्रिकेट के अंदर हालांकि कौन है नए गेंदबाज को लाया जा रहा है अमरजीत को लाया जा रहा 3 हैट्रिक 9 बॉल की इन्होंने 1 हैट्रिक 9 बॉल इन्होंने की इस प्रतियोगिता में ये अनोखा रिकॉर्ड कोई गेंदबाज रखना नहीं चाहता है लेकिन आज इनके पास है ये कि 3 यहां लगातार 9 बॉल जब ये अंपायरिंग जो होती है इसका स्तर बहुत ऊंचा होता है सारे बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं क्रिकेट का अनुभव है विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है लगा रखी है एक मैं देख रहा मनजीत सिंह को सेकंड स्लिप में लाया जा रहा है उसके बाद एक गली लगा रखी है और प्रदीप को लॉन्ग पर लगा रखा है डीप एक्स्ट्रा कवर पर मैं देख रहा हूँ कि शैलेंद्र सल्लू को लगाया है और वीरू सहस्रबुद्धे को लगाया है बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ तो पीटू इस टाइम पर ये फील्ड बिल्कुल मैं देख रहा हूँ हुई है इस वक्त मैं देख रहा हूँ यानी कह सकते हैं कि 2 स्लिप यहाँ लगा रखी है अमरजीत ने पीटू के लिए और ऑफसाइड में बिल्कुल चल रहे खड़े हैं ऑफसाइड पर ही गेंद करने का इनका प्रयास है फील्डिंग बहुत नचर रही है आज बहुत नचर रही है पर डायमंड क्लब लखनऊ की हाफिज इकबाल साहब की जो टीम है इस टीम की आज जो फील्डिंग है वो अच्छी नजर नहीं आ रही है पीटू बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के लिए से अमरजीत इस बार ब्लॉक होल में गेंद है चलिए बढ़िया यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर फील्ड की है दाई लगाते हुए दाई तरफ लगभग कवर रीजन के क्षेत्र में बड़ा आनंद आवा था मैदान के ऊपर ही दर्शकों के देखे में इससे बढ़िया मुकाबला दर्शकों के नहीं देखने के लिए कैसे बल्लेबाजी करनी हसन छोटे गेंद के मारा लेकिन बहुत खतरनाक
रणजी मैदान के ऊपर ये पहली गेंद या पूरी तरह प्रयास कर रहा ना उसके पीछे फील्डर भागा पड़े लेकिन आज इसे लगा था कि फील्ड में डायमंड कलर के फील्डर ग्रीस लगाए चल पा रहे एक को गेंदा बैसली लगाए चल पा रहे एक को गेंदा उनके हाथ से भूल पकड़ा बढ़िया से दिखाई ना गलत हालांकि एक गेंद यहाँ प्रदीप बढ़िया से सिर्फ पकड़ने वाले बाकी एक को फील्डर हम लोगों के दहेज आगे बढ़िया से फील्ड करने वाले मैदान के ऊपर ये बात टीटू बहुत बढ़िया शॉट लगा बारों का ऊपर जब फील्डर का एक बार पकड़ लिए ला प्रदीप के पास हुए दूसरा इसे फील्डर बारे जो एक बार भी गेंद पकड़ने बारे एक बढ़िया पारी यहाँ आई तोड़ पर नौ गेंद पर 20 रन टीटू बनाने बारे अपनी टीम का दिल अब नए बल्लेबाज जाकर मैदान के अंदर कितना रन बना पाए मैदान के ऊपर अब जी जो हिसाब से नचा के गोला नहीं घुमा के लट्टू ना ही थकले वाला ना बल्लेबाज तो एकदम बलबुकाए गए भैया क्या होता और बहुत बढ़िया कैच देकर चल गए आप साइड पर अपने जाल में फंसा लेना अब नए बल्लेबाज जाल वाला मैदान के अंदर और अब हसान का विकेट गिर गया अब जा रहे भूपेंद्र सिंह टीम के गेंदबाज गेंदबाजी जो बहुत अच्छी करते हैं बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है लेकिन अब जहां तक ये मेरा अंदाजा है अब ये जरूरत है जो 13 गेंदे बची हुई है वो 13 गेंदे खेल जाए 10 से 15 रन भी स्कोर बोर्ड पर आपने लगा दिया तो वो रन आपके लिए मायने रखते और आपने विकेट खो दिए तो काम खत्म तो नए बल्लेबाज का जो आए क्रीज पर नाम जानने का प्रयास करूंगा विकास है ये भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ये कलाइयों के सारे खिला है यहाँ पर एक रन ये समझ रहे हैं कि हम पूरे ओवर खेले चाहिए भूपेंद्र को कम स्ट्राइक है क्योंकि जो विकास है वो ऑलराउंडर है ओवर नंबर 8 समाप्त हुआ 114 के ऊपर 6 में 100 रन तो कर लिए 2 ओवर में मतलब मैं देख रहा हूँ 14 रन आए ये अमरजीत का बढ़िया स्पेयर समाप्त होने को जा रहा है रहना बहुत जरूरी था टीटू एक ऐसे प्लेयर थे जब देख लिए कि अनस का विकेट गिर गया जब प्रफुल्ल का विकेट गिर गया तो उसके बाद तो चार बार आप मैदान पर जा सकते अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप एक जो पूरी मैच के अंदर चार बार जाएंगे उत्कर्ष ये जो है काउंटिंग हो रहा है उत्कर्ष गए एक बार तो एक ही चीज काउंट अभी चार बार से ज्यादा जाएंगे आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई जा सकती है अमीर हमजा साहब जो जिनके पास एक टेराबाइट एक टीवी का जो माइंडसेट है लगातार बढ़िया स्कोरिंग किए अब सल्लू और सरेंद्र पे लाया जा रहा है और कमेंट्री के लिए मैं लेके चलता हूँ हरीश भाई की तरफ स्कोरिंग कर रहे हैं साहब कहाँ फील्ड ले बाहर अंदर आ जाओ यही मेरे को क्या तला यार ये सरेंद्र भाई अंदर है और इस मौके की हवा है और यहाँ पर आकलन द्वारा है यहाँ पर मिस्टर अभ्यास का कि एक खाब है 130 का उनका यहाँ पर टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी लेकिन उनका जो आकलन आया है जो क्या सही उन्होंने दिया है और यहाँ पर भी ड्रॉप किया गया है नसीबी क्षेत्र में स्लीपर का एक ड्रॉप हुआ अच्छी नुकसान जी हाँ ये नवा घर हुआ आखिरी जोड़ी रियाज एवेन कंपनी सगरी की आखिरी जोड़ी मैदान पर रसी स्पोर्ट्स सगरी आजमगढ़ अंतिम जोड़ी उत्कर्ष जिसमें पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए उत्कर्ष पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी जोड़ी है नवा चला सलाह रवि चल रहा है इसके बाद एक बार खेल पहली पारी का रचेगा फर्स्ट इनिंग्स का उसमें से ये नवा चला है दो
मौतों के भी हुई है, चार हजार से इस मतलब कर किया है बहुत ही निराला अंदाज, लेकिन ये हिरन मिल चुकी है मिला उसको। अब ये फिर ये वापस आ रही है ब्रिक्स के हाथों में, कीपर के हाथों में, और एक रन यहाँ मिल गया है इस लीग के साथ। स्कोर पर जा पहुंचा है 116 के ऊपर, 116 पर ना टॉस रसी है स्पोर्ट्स आजमगढ़ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया है और ये चौथा ओवर चल रहा है, गेंद हवा में है और ये खतरा हो सकता है और ये ऑल आउट पूरी टीम सिमट गई बिल्कुल। यहाँ पर रियाज को एक थाने के क्रम में पहले ही कह दिया था कि टीम ऑल आउट होने वाली है, तो वो बिल्कुल उनका आकलन यहाँ पर सही किया। 116 पर सिमट गई पूरी टीम रजनी स्पोर्ट्स सगर आजमगढ़। अब यहाँ से 117 का टारगेट है, उसका दिशा किस तरह से कहेगी जनाब हाफिज इल्तिफात एंड है भाई है कोई बना स्टार है पर बोल सुनाएगा हसी अहमद एक आदमी वहां पर काम कर रहे हैं। पहले ये खराब संभवता ये गेंद हो सकती जी हां निशाना भी यहां पर हो रहा है पाएगा तो रन जो जाएंगे नौवे भाई खाता खोलता हुआ तो आयशा के साथ टीम का खाता खोलने के लिए बाद सुबह तक होना बाकी है। मंजीत पहुंचे आयशा का एक आयशा भी आ रहे हैं भाई फटाफट जुड़ जाएं सारे लोग और ये उत्कर्ष को बड़ी कस के मारा है लेकिन फिर है वहां बड़ी करने जाएगा अपने बल्ले को हाथी बना रहे हैं निश्चर मंजीर पे खेल रहे बल्ले ने क्या हुआ अपनी बेस में मारा है उत्कर्ष को लेकिन गेंद बाउंड्री के अंदर ही उतरी। ये देखिए किस्मत है क्रिकेट का कोई क्रिकेट जो है बड़ा गेयर ही होता है जिसका वक्त बोलता है वही मुकद्दर का सरंदर बनता है वहां से करो बात साफ है कि जो खतरों से खेलता है वही नायक और खिलनायक बनता है। अभी ये पहला और चलाव है वो भी नहीं हुई है चार बना है 117 का टारगेट है गाने का किसान के सामने ये तो सम्मान दिया सुरक्षात्मक ढंग से ये पुलिस से बचे प्लीज के सामने कोई रन नहीं अच्छी सोच ये देखिए गेंद का जो रिएक्शन है वो खतरनाक हो रहा है गेंद एक कांटा बदला है गेंद अपना रवैया बदला है तो खतरा भागते हुए भी चतुराई के साथ भी चलाने के साथ ये तो गया बिना किसी रन के इसको चार प्लेयरों में आप देख सकते हैं कि तालमेल बड़ा चाहो तो बहुत गर्म का स्टोर है मंजीत के बल्ले से निकले शानदार स्टोर चार रन के लिए हवाई रास्ते और जमीन रास्ते से मामले के बाहर तो मंजीत और प्रदीप की जोड़ी मैदान पर है प्रदीप ने सवाल लगाया है प्रदीप क्या उल्टा शॉट प्रदीप ने तो फिर प्लेसमेंट है विकेटकीपर के साथ इससे एक शॉट वाली एक शॉट पाने शॉट या आउट शॉट लॉन्ग आउट ये पांच खिलाड़ी नजदीक क्षेत्र में के अलावा ये आज के बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा इसमें जो टीम जीतेगी क्या उसे खेलेगी इस मात्रा स्टेट है उठा रखा है पूरे सर के ऊपर छह रन के लिए प्रदीप अब थोड़ा सा पाकिस्तान में बैठा हुआ प्रदीप पहला ओवर चल रहा है पांच ओवर में 14 रन अब तक उत्कर्ष ने अपने सर में खर्च किया है कोई सफलता नहीं मिली तो चलो ना चलिए पहले वो अच्छी शुरुआत हुई है दिल के सागर और यहां पर एक और खराब भी नहीं मन मन चाह शॉट नहीं
पूरी तरह से बिल्कुल उनके मर्जी के मुताबिक बल्ले पर गिर गई है। खिलाड़ी टॉप बल्ले के नीचे से सोते हुए गेंद फाइनल पॉइंट लाइन के बाहर 84 स्कोर 18 बिना किसी नुकसान के समाप्ति के बाद 170 के दौर में नियंत्रण बनाना है। नौ रन अच्छी खबर है कि दोनों के जवाब में 18 रन की शानदार भागीदारी है। जी हाँ सर, विकास के बारे में बात करें। जी हाँ, विकास का आपने सुन रखी है। चलिए, दाहिने हाथ के पास है और यहाँ पर इनको करीब बर्दाश्त में रिवर्स सीम करने का प्रयास बेतरतीब के साथ किया जा रहा है। इसको करने का प्रयास है ना पड़ी पड़ी आई पूरी तरह से भिड़ला बाहरी किनारे पकड़ती हुई लीड सारे करने वाले बाहरी चार रन से इस चौकी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 की बात 22 रन 117 ऐसी जगह से बचना हुआ और विकेट कीपर को चौकन्ना रखना हुआ जो विकेट कीपर टीम की कमान होता है और अगर कमान टूट जाएगी तो 30 रन देखने मिलेगी विकेट कीपर को चौकन्ना है ये विकेट कीपर के ऊपर बहुत डिपेंड होता है जो विकेट कीपर का कीमत होता है अपनी टीम के लिए। अच्छी ये रही खराब बैट्समैन को मौका मिला है बल्ले पर मुंह खोलने का पूरा मौका दिया पूरी आजादी दिया लेकिन शंख से बाहर गए वो भी उछाल उछाल रहा है लगभग शॉट ऑफ लेंगे शॉट इस देखिए और उसका भरपूर फायदा उठाया मिस्टर मंजीत ने जैसे कहा कि लेकिन शंख के बाहर कमर की ऊंचाई पर आई बल्ले को मिला गेट लाइन से और फाइनल के बाद चढ़ गया सकता 28 रन 28 दूसरा ओवर चला है तुम्हें हुई है 10 रन आए इस पर। हर खिलाड़ी चाहे वो बॉल हो बैट्समैन हो बॉलर हो पूरी तरह से जितना उनके अंदर अनुभव है जितनी क्वालिटी है उसको झुका जा रहा है अपनी टीम की 100% दे रहे हैं। यह बात है कि इसी टीम को हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि दो पहलवान मैदान पर आते हुए चित्र ऊपर होना पड़ता है ये टॉस की अजीब पहलू है हार और जीत पार साहब ही दोनों टीम के प्लेयर वाकई अपनी हर खूबी को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं तरकश की हथियार को आजमाइश में लाया जा रहा है। अब सवाल ये है कौन जीतेगा कौन हारेगी कहानी सस्पेंस में है जो क्रिकेट की दास्तान बड़ी खतरनाक होती है इसकी परिभाषा कब बदल जाए यह भाना बड़ा मुश्किल होता है फिर से पैर ऊपर की गेंद और पहुंचे कीपर के हाथों में लगातार तीन पहले पर छक्का खाने के बाद लगातार तीन पहले पर चौका दो सिर्फ छक्का उसके बाद तीन लगातार गेंद अच्छी वापसी कम हुई थी चार लगातार गेंद हुई दो गेंदों पर बाउंड्री आई है लेकिन पिछले चार गेंदों पर बात कर बिल्कुल पांच कर दिया है यहां पर टीमों ने क्या लाजवाब और सवाल हुआ है 28 रन 117 के जवाब में 28 रन 2 रन की समाप्ति बाद बराबर सुजीत कुछ मसरूफ है कुछ व्यस्त है लेकिन मैं सुजीत को कमेंट्री बॉक्स में आना चाहूंगा आपको क्या यहाँ पर है सुजीत शान ऐसा ना कि मैं कुछ कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मैंने एक आवाज दी तुम्हें बड़े नाश के साथ तुम भी आवाज मिला तो मेरी आवाज के साथ शाहिद भी शाहिद फराही भी यहाँ पर आ चुके हैं तो हारिस भाई आप इमोशनल अत्याचार बहुत करते हैं इमोशनल अत्याचार बहुत करते हैं बच्चे भाई क्या कह रहे हैं इस समय इस बात इस बात में कोई आदमी आके
पूरी मैजिक मैजिक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर है हुनर और काबिलियत, लेकिन ये देखिए क्रिकेट की सबसे बेहतरीन शॉटों में से एक है। प्रदीप बहुत इनफॉर्म प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और स्कोर बोर्ड पर जब इनके पास अनस जैसा गेंदबाज है तो हम जो टीम का नेतृत्व कर रहे तो उत्कर्ष अभी हुआ है, अभी जो है वो सीखने की उनकी उम्र है और आप उसे पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए सौंपा है। चलिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन ये मेरे समझ से तो थोड़ा सा जो नहीं समझ में आ रहा है आपने क्यों सभी। अनस एक ऐसा प्लेयर है जो इंपैक्ट प्लेयर है, वो टीम अक्सर मैं देखता हूँ, बढ़िया है लड़का है, युवा है, अभी सीख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास कर रहा है, मैच में कभी हथियार नहीं डालना चाहिए, आखिरी पल तक लड़ाई बिल्कुल जारी रहे, हार जीत एक अपना अलग मसला है लेकिन हम लड़ाई ना करें ये तो गलत है। इसी बीच बढ़िया यहाँ पर गेट लड़की है, मुझे जाते याद आ रहा है, मैं आपको सर बता दूं कि दुनिया की सबसे स्पेशल जो टैंक होती है जो फायर करने के लिए पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था अकेले बिन अब्दुल अमीर ने एक नॉर्मल सी अर्जुन टैंक लेके अटैक कर दिया और उनको उनके टैंक को बुला दिया और उनको ये पता था जो उनके जो मेन सेना के अध्यक्ष थे वो टैंक लेके सबसे आगे वही चल रहे थे, ये टैंक से मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, पहली बार मारते उड़ गया। जी बिल्कुल, ये कैश यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, मैं बात उसका जा रही थी, बहुत गहरी बात आपने बताया सजेशन, आप धन्यवाद। मेरा कमेंट ये है कुछ 34 रन स्कोर बोर्ड पर है, 2.4 गेंदें हुई है, एक रन और एक स्कोर बोर्ड के ऊपर आ गए 35 रन। तो अब मनजीत सिंह, हालांकि एक समय था इनका बल्लेबाजी में वो चौहर दिखाते थे अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलते थे, अकेले ही एक सेना अध्यक्ष की तरह खड़े रहते थे, लेकिन अभी इनकी टीम में आज अभिनय ने अपने आप को रोका है, रिंकू ने अपने आप को रोका है, प्रमोट किया है मनजीत सिंह को कि आप एक अच्छी पारी खेलिए, जो आपका जो थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है आप उसे आकर्षित करें, आप और अच्छी परफॉर्म करें ताकि जो आप हमारे मेन ओपनर हुआ करते थे अब फिर से हम आपको वही दायित्व तो जिम्मेदारी सौंपते हैं। और बताया अभी कि अब है हमारे अंदर अभी भी वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लंबा जो टॉप ऑन जो सिक्स होता है जो गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर जा रही है, मैं चाहता हूँ गेंद जल्द से जल्द अंदर आ जाए और जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे जो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं जो मैदान के चारों ओर दर्शकों को अभी वो आनंद नहीं आया जो मजे का वो इंतजार कर रहे हैं, दर्शक की खूब मजा आ जाए किसी मैच में, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उस्मान पटेल कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, 100 कमेंट्स आ रहे, 70 तो इसी बात का सवाल आ रहा है। ये लीजिए मनजीत सिंह धोनी 7 नंबर की टीम ने पसंद है और क्या लाजवाब तूफानी बल्लेबाजी कर रहे मैदान के ऊपर, इन्होंने डीके का जो मैं देख रहा हूँ बल्ला लिया हुआ अपने हाथ में, क्या गजब का गरज रहा है, स्कोर 3 ओवर में 47 रन 116 के जवाब में, तो डायमंड क्लब लखनऊ जिनके नाम पे ही हीरा छुपा हुआ हो तो उनकी टीम क्यों नहीं हीरा साबित हो, 3 ओवर में 47 रन मंजीत पहुंचे 10 गेंदों पर 23, प्रदीप पहुंचे 9 गेंदों पर 22 और उत्कर्ष सिंह ओवर में दिए 36, टीटू ने गेंदबाजी की है एक इनिंग से, अब कौन है नया गेंदबाज, क्या फिर टीटू को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए, एक ओवर में जहां तक मैच थी है आपने पहले ओवर की शुरुआत जो है भूपेंद्र सिंह आपके पास एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बहुत सालों तक क्रिकेट को अपनी सेवा दी है, उसके बाद आपके पास अनस जैसे, ये दो आक्रमण गेंदबाजी करते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जो है मैच तस्वीर टीटू जो पहले वो बल्लेबाज है बाद में वो गेंदबाज है, बहुत अच्छे प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं लेकिन पहले वो अच्छे बल्लेबाज है, अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलने वाले बल्लेबाज लेकिन गेंदबाजी में आप दे रहे, अब कौन है गेंदबाज, फिर टीटू को ही लाया जा रहा, बढ़िया गेंदबाजी की 4 गेंदें लगातार इन्होंने डॉट कराई है, बैटिंग ऑलराउंडर है, साहब और राजीव खान साहब, सादा आलम साहब,
और उनके साथ जो तमाम जो पूरे गांव के जो पूरे जवान जो लोग हैं जो काम किया है सारी जावेद और मैं देख रहा हूँ की सारी पे अगर सादिक सुल्तान है अमीर हमजा शाद ये जो हमारी टीम है बहुत अच्छा काम की है इन तमाम युवाओं ने इस टूर्नामेंट को जो समाबादी है ये बिल्कुल विकेट के ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं सीना तान के जो कहते हैं बल्लेबाजी करना वो यहाँ पर ये कर रहे हैं तो लेकिन जहां तक जो मैच की जो तस्वीर है ये मैंने कहा कि एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होता है तो मैच की तस्वीर को बदलता है अभी चौथा ओवर चल रहा है 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लेकिन किसी भी खिलाड़ी की जो बॉडी लैंग्वेज है जो मैं देख रहा हूँ रंजीत स्पोर्ट की वो बिल्कुल ना तालियां बजा रहे हैं अच्छे खेल पर गेंदबाजी बढ़िया चल रही है ना पूरा अपना प्रयास करे रन भले बोर्ड पे फैसला है अंपायर का तो एक हौसला अफजाई होता है मैच में लड़ने की जो साहस होती है वो बनाए रखना चाहिए हार जीत का एक अलग लेवल है इनके पास इनकी टीम में मैं समझ सकता हूँ कि आज दो गेंदबाज जो आने वाले थे वो आज नहीं आ पाए एक ज्ञानेश्वर और एक कालकी जो गोरखपुर के सर्जरी से आने वाले थे इस टीम के हिस्सा थे लेकिन वो आज नहीं जुड़ पाए जिनके वजह से इनकी टीम जो है तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर जो है जेड वाई जेड के लिए जो इनाम आया है जनाब हकीम अबुलास सारा देसी दवा खाना सरायमीर बैतुलहूम की तरफ से जो व्हाइट का फैसला है अंपायर का बहुत बड़ा इन्होंने जो कहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ हम हौसला अफजाई करेंगे पहले ही एमएम समिति ने जो है यहिया खान ने पूरी टीम को जो है सम्मानित किया है द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर से तो अब 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग गए हैं अब यहां से चलिए 41 गेंदों पर 67 रन तालियां बजनी चाहिए मैच के अंदर बिल्कुल जोश में होना चाहिए एक जो जोश होता है खिलाड़ी के अंदर ले लीजिए महेंद्र सिंह धोनी यानी मनजीत सिंह इतनी बढ़िया शॉट लगाई है बहुत लाजवाब रिकॉर्ड दिखाए और जैसे ही मैंने कहा कि ये इनफॉर्म नहीं है और कहा अच्छा भाई ये तो मेरा छोटा आप देखें मैदान के ऊपर क्या करता हूं और ये बता दिया लीजिए ओ बैक टू बैक टू सिक्सेस व्हाट अ शॉट और ये तो मुझे लगता है कि दो बार एक ही कारनामा कर दिया है और दो गेंदों पर दो छक्के स्कोर हो गए 65 रन दो गेंदों पर दो सिक्स 65 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हैट्रिक सिक्स लगाएंगे रेहान हो गया इनका हैट्रिक सिक्स रेहान चौधरी साहब की तरफ से 300 रुपए का इनाम चार लगातार छक्के लगा दिए ये पांचवा क्या लगाते नहीं नहीं बिल्कुल यहाँ पर देख रहा हूँ मंजीत सिंह धोनी ये मरहूम फरहान स्टेडियम पर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है भाई सुनिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब तक कोई विकेट नहीं गया मंजीत और प्रदीप जी सब सरकारी बल्लेबाजी की बात करते हैं चाहता हूँ मजमा एक बार तालियां बजा दे यार क्या कर रहे हमारे मेहमान खिलाड़ी हैं खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है खिलाड़ियों ने मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया अब तक बहुत अच्छा ये प्रदीप है लोग प्यार से बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स लगाते और एक और छक्का लगा दिया और ये जो अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो मैच की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है अब हम अपने अच्छे गेंदबाज को लाएंगे अनस क्या करके देंगे अब भूपेंद्र सिंह को लाएंगे अच्छे 37 गेंदों पर 48 कौन सी मैच की तस्वीर बदलेंगे वो जब उनको खिलाना ही था पहले उनको गेंदबाजी खिलाते है विशाल और ये क्या आसान सा कर लिया एक विकेट मिल गया यहाँ पर 36 गेंदों पर 48 रन जो गेंद बाहर जा रही है वो गेंद जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर भी पहुंचाई जाए क्योंकि जो पहला यहाँ पर मैं देखा होगी आघात लगा है हमारे जो कैमरा मैन है जो लगातार लाइव दिखा रहे हैं चाहे असली पद्मपुर जो पद्मपुर क्रिकेट लाइव है आर्यन क्रिकेट लाइव है कस्बा माहौल पे कमर आसिफ साहब है और आजमगढ़ क्रिकेट एक्सप्रेस पर भी मैं देख रहा हूँ आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर मुकाबला दिखाया जा रहा है चार छक्के लगाए थे तो 100 जो इनाम है वो जीत चुके हैं आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर भी दिखाया जा रहा है बिल्कुल सही है तो बहुत सारे मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं और मुकाबला जो विपक्षी टीम है मैं देख रहा हूँ विशाल कासिम ये पूरी टीम देख रहे हैं रिंकू आए
रिंकू और मंजीत ये बहुत अच्छी जोड़ी मानी जाती है। तो रेहान संजरी साहब जो पीसीएम ग्रुप के डायरेक्टर है उनके तरफ से 300 रुपए का इनाम मंजीत सिंह जीत चुके हैं। नए गिरवाज को मैं देख रहा हूं लारे भूपेंद्र सिंह को। आप एक लाइन बोलते हैं बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते असल लाइन आप बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस के बाद है टैलेंटेड है बहुत दिनों तक क्रिकेट के साथ जुड़े रहे भूपेंद्र सिंह जो रिजेंट क्रिकेट खेल रहे हैं अंबेडकर नगर की शान कहे जाते हैं। अंबेडकर नगर जिले के एक मर्यादित पुरुष माने जाते हैं जिनका एक लंबा होता है हालांकि इस मैदान पर भी इनके अच्छे रिकॉर्ड है कितना बढ़िया एक्शन है स्मूथ है लेकिन जो गति है वो लाइन है वो नहीं देख पाए। एक छक्का जड़ दिया यहाँ रिंकू यादव के तोहफे के रूप में बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और ऐसी गेंदों पर जो इस पूरे सीजन में देख रहे हो बहुत अच्छा गेंद दिखाया। बाकी जो टीम के जो खिलाड़ी है अनस का ना बल्ला चला अभी तक गेंदबाजी आक्रमण पर नहीं आए बाकी जो गेल है जो उनका भी बल्ला नहीं बचा जिसकी वजह से विकेट मिल गया बड़ी विकेट मिल गई। मैं कह रहा हूँ यही होता है एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अगर आप बॉलिंग अटैक पर लाते शुरू से जो दबाव होता है इनके पास अनुभव है इन खिलाड़ियों के साथ वो खेले हुए इनकी मजबूती पॉइंट और इनके जो वीक पॉइंट सब पर इनकी नजर रहती है। पहली बार मैं किसी मैदान पर देख रहा हूँ कि जिसकी कप्तानी जिसका नेतृत्व हमजा कर रहे हो तो उनकी गेंदबाजी उनकी टीम में ऐसा देखने को मिल रहा हो। तो अब जैसे ही एक भाई आउट हुआ दूसरा भाई मैदान में रिंकू आउट अब बिना यादव जा रहे स्कोर बोर्ड पर 77 रन 4.3 के दूरी 33 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत। वही जो गेंद बाहर जा रही है हमारे वॉलंटियर्स के अलावा जो भी मैं भाई है उनसे चाहता हूँ कि वो गेंद अंदर की तरफ भेज दे बड़ी मेहनत हो रही है उस क्रिकेट प्रतियोगिता को कराने में हर पहलू पर यहाँ मैं देख रहा हूँ नजर बनाए हुए है। लेकिन आप सभी लोग भी अपना सहयोग दे आप सभी लोग बहुत सहयोग दे देता हूँ साजिद भाई दिन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं सलमान भाई भी है ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट के पीछे साना मालम साहब है ये इस बार एक कैच अनस ने पकड़ लिया। देखिए ये ओवर में आपने दो सफलता मिल गई पहले में आपने 18 खा लिए थे फिर उत्कर्ष को लगा फिर आपने भी उसमें भी रन खाए तो ये है देखिए दो सफलता भी दिला दी। कमेंटेटर्स उत्कर्ष होता है कभी कभी नुकसान होता है लेकिन कमेंटेटर्स वो सबको दिन भर देखता है एक्सपीरियंस हो जाता है। कहते हैं कि एग्जाम के समय में बच्चा जो है टीचर से ज्यादा नॉलेज रख लेता है ऐसा कभी कभी होता है मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन होता है। तो जिनको पहले चाहिए थे मंजीत सिंह के मैदान पर है आपके लिए जो फेडरेट बॉक्स आ चुका है फर्स्ट एंड बॉक्स आप अगर जो भी है अपना काम कर सकते हैं 77 रन है 4 इसमें मात्र अब तक 7 रन आए तो अब नए बल्लेबाज जो मैदान के अंदर है मैं देख रहा हूँ कि मोनू आए हुए एक लेफ्ट हैंडर्स को लाया जा रहा है मोनू यादव हैट्रिक विकेट पर पहुंच गए यहाँ पर राहुल को नहीं जो मैं देख रहा हूँ कि लाए हैं नए बल्लेबाजों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्रमोट किया जा रहा है ठीक है क्योंकि बल्लेबाजों को जितना मौका मिलेगा वो अच्छा करेंगे। तो 32 गेंद 40 रन इस ओवर में 7 रन दिए 4 गेंदें डिलीवर हुई है ये नहीं बहुत बढ़िया गेंदबाजी बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह से और इस चीज को जो क्रिकेट के अंदर है मैं देख रहा हूँ कि मैदान के ऊपर जो फील्ड की सजावट है कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं विजय गोयल
सात रन दिए मात्र, ये कट लगा है, ये चले गए चार रन के, फील्डर की गलती है, थोड़ा फील्ड को झुककर जो बिल्कुल उत्कर्ष बनी हुआ है, और जो कि जैसे कि कमर भाई बता रहे थे युवा बहुत आगे चल के बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा, ये कमर आसिफ साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। उस ओवर में अब मैं देख रहा हूँ कि पांच ओवर में 81 रन हुए, इस ओवर में अब तक मैं देख रहा हूं कि टोटल 12 रन आ चुके हैं, 30 गेंदों पर 36 रन, अब चाहिएगा से 30 गेंदों पर 36 रन, किनको लाएंगे गेंदबाजी रन पर, अब नस्को लाया जा रहा है, तो एक गेंदबाज ने जो मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह अच्छा कर सकते हैं उन्होंने किया, दो सफलताएं दिलाई इस विकेट पर, अगर 11-12 रन खर्चिए तो मैं मानता हूँ अच्छे गेंदबाज है, दो एक ओवर में दो छक्का खाए तभी मैं मानता हूँ इस विकेट पर बढ़िया है यार, चलो दो ही छक्के खाए या तो चार चार पांच पांच तीन तीन छक्के लगातार लग रहे। मंजीत सिंह का डीजी स्कोर 40। तो अब अगला जो मुकाबला है वो जहां तक मैं देख रहा हूँ एक टीम जो बैठी हुई है बहुत अच्छी टीम बनकर आई है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में, तनवीर विशाल अकबर जैसे खिलाड़ी इस टीम में है, आसिम कासिम बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है, रबाडा बड़े नाम है, आज उनका मुकाबला इन दोनों में से जो जीतेगा, इसीलिए उनके जो खिलाड़ी है पहली नजर बनाए हुए उनके गेंदबाजी एक्शन को देख रहे हैं, उनकी बैटिंग को देख रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, उनकी कमियों को देख रहे हैं, ये सही है, खिलाड़ी देखेंगे नहीं और आपका मैच समाप्त होता है, अगर आप खिलाड़ी हो तो अगर आप जाकर इंजॉय कर रहे हो मैच के बाद तो ये गलत है, आपका अगला मुकाबला यहीं से है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन बॉलिंग कैसा कर रहा है, कौन कैसा बैटिंग कर रहा है, तभी आपका काम बनेगा, फिर अचानक से आएंगे कब वो स्लोअर करेगा कब वो, ये बहुत सारी चीजें क्रिकेट में सीखनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, मेहनत करना जिसे कहते हैं। कल इंटरव्यू में कमरान खान और जो है अंकुर सिंह ने इस बात को कहा था 83-81 के बाद 82 हो गए, 5.2 रेट हुई है 82 रन, तो अभी तक दो एक ओवर ये जो पहला ओवर कर रहे हैं अनस ये भी बिहार खेलकर लौटे हैं, तो दो गेंदों में एक रन खर्च किया है, यहाँ हो गेंदबाज का अभ्याप ज्यादा हो रहा है, जिसके पास विविधताएं हैं जिनके पास वेरिएशंस है जिनके पास गेंदबाजी करने के अद्भुत कलाएं हैं वो यहाँ पर जो है ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, जिनके पास सिर्फ फेस है उनको भी मार पड़ रही है, जिनके पास जो बिल्कुल जो स्पीड कर रहे हैं बिल्कुल दिखा रहे हैं तो उनको भी मार पड़ रही है, ये लीजिए 8.4 पर 116 रन पर टीम ऑल आउट हो गई रणजी स्पोर्ट्स सभी, यहाँ रन आउट का जो मौका बन रहा है और यहाँ पर डायमंड क्लब लखनऊ ने 82 रन के बाद एक और रन यहाँ दूसरा रन भी चुरा लिया तो 84 रन हो गए, अब चाहिए 27 गेंद पर 33 रन, तो ये जो बेहतरीन जो एक्सपीरियंस जोड़ी थी अनस और भूपेंद्र सिंह अगर गेंदबाजी की आक्रमण इनसे करवाया जाता तो मैच की तस्वीर अभी कुछ अलग होती, मैच लड़ाई में होता, हालांकि कैप्टन ये भी सोचा होगा कि अगर उत्कर्ष का ओवर निकल गया तो मैं आखिरी छोड़ में जो अच्छा कर दूंगा, टीटू के पास ठीक है टीटू एक बैटिंग ऑलराउंडर है आपने उनको अच्छी गेंदबाजी की थी पहला ओवर, लेकिन यहाँ पर देखते ये बढ़िया गेंद मैं कहूंगा, लेकिन वाइड का ये फैसला आ गया सारी चाय जो मैं देख रहा हूँ सारी का और अंपायर का फैसला सुरमान है, यहाँ पर अंपायर ने दे दिया आनंद भाई मान नहीं सकना होगा अंपायर का फैसला सुरमान है, हालांकि जा रहे सारी सुल्तान यहाँ सारी से बात करने के लिए सारी बिल्कुल अपने जगह पर है, हालांकि इन्होंने जो वाइट है जो अंपायर चाहते कि मेरा अपना आईना है ये कह रहा है कि गेंद भले उन्होंने घूम कर खेला है लेकिन वो जो रखी गई वाइट उससे भी गेंद बाहर की तरफ गई है इसलिए हमने वाइट करार दिया है, इसलिए वाइट देखे वो घूम कर खेले है बाई तरफ से गई तो वाइट दिया है, ठीक है कोई नहीं मैच है, हालांकि एक वाइट दिया है यहाँ पर 85 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, मैच में पहली बार देखा हूं कि महमूद गए अंपायर से बात करने के लिए, महमूद आप मैं चाहूंगा कि आप जब अनस गेंदबाजी के लिए मार्च पर तैयार हो रहे सारिफ से बात करें, महमूद ठीक है मैच बिल्कुल जो चलाए मार रखे 27 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत,
जोश में खेलना चाहिए, उत्साह के साथ बिल्कुल लबरेज होकर एक तरफा मैच ही होना चाहिए। ये क्या आज इनकी छुट्टी पूरी होगी इस मैदान के ऊपर? लग रहा है ये कारनामा जो 42 की ऊपर थे अब पहुंच गए 46 की ऊपर। अनस ने भी अच्छी डिलीवरी डाली थी, अली थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, क्रीज का इस्तेमाल किया थी, इसी गहराई का लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर भेजा था 4 रन 89 रन। दोस्तों ये जेड वाई जेड क्लब मुंडियार क्लब जो टूर्नामेंट चल रहा है ओपन का, आज ये 11वां दिन टोटल है जो ग्राम सभा में मिला के, लेकिन ओपन का ये तीसरा दिन है। कल नुमान कंपनी का आगमन हो रहा है, जो गेट गई है बाहर है उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द उन खेतों को अंदर पहुंचाया जाए, जो हमारे वॉलेंटियर्स है वो सारा काम करते रहे। लंबो और अमृता इस टूर्नामेंट के दो बड़े चर्चित नाम लंबू और अमृता जो गेट को ढूंढ कर आ रहे। फैसल भाई का देख रहा हूँ आगमन हो गया, वेलकम है आपका। ये प्रिया है और ये फैमिली पूरी कर ली है। इस कलाकार बल्लेबाज रहे मनजीत सिंह धोनी का एक अर्धशतक की प्रहार टीम के लिए एक बढ़िया पारी के लिए ओपनिंग करने आए थे 52 के ऊपर। मैं चाहूंगा मनजीत सिंह बल्ला उठाकर हुआ रन स्वीकार कर रहे, बहुत बढ़िया इनिंग्स अपनी टीम के लिए। 95 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर, अब 6 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं, 288 कि जो इनके औसत है 18 गेंदों पर 52 रन किए। ये तो कलाकारी कर रहे, थोड़ा अलग करने का प्रयास है, नो बॉल करार कर दिया अंपायर ने। अब उसाद भाई मुंडियार उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है मनजीत को। अब उसाद भाई जो मुंडियार के नो बॉल है बिल्कुल सर भाई मैं देख रहा हूं स्कोर बोर्ड पर 97 रन 25 बॉल 20 रन। पच्चीस गेंद पर 20 रनों की जरूरत। मोनो छठा ओवर चल रहा है तो यहां मैं देख रहा हूं कि अब उसाद साधु मुंडियार 500 रुपए का मनजीत सिंह के बेहतरीन बल्लेबाजी पे जो खेलते हैं 25 गेंदों पर 20 रन। ये आखिरी गेंद 30 ओवर की और यहां पर भी इन्होंने 6 लगा दिए और अब ये बहुत बढ़िया प्रहार है। और अब मैं देख रहा हूं 103 हो गए 24 गेंद पर 14 आगे के मिनट के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हारिस भाई। जो गेंद है वो जो बाहर चली जा रही है मैं चाह रहा हूं अमृता भाई लगे रहे गेंद ढूंढ कर लाए। एक और चौका यहाँ देखने को मिला है और रन हो गए यहाँ पर जो है देख रहा होगी। अब 24 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है शुरू करने में। ये जो गेंद है वो जो है माफी चाहता हूं हमारे स्टूडेंट अंपायर साहब, मैं चाह रहा हूं ये डेड बॉल करा दी जाएगी क्योंकि 6 गेंदें डिलीवर हो चुकी है। मैं उसका आकलन देख रहा हूं पहली गेंद डॉट थी और एक जो सिंगल बनाया है 2 रन आया है, फिर वाइट आई है, फिर चौका आया है, फिर 6 आया है और एक नो बॉल आई है, फिर 6 आया, टोटल 6 गेंदें हुई है। ये गेंद जो है डेड बॉल मानी जाएगी। 24 गेंदों पर जो जरूरत है वो 18 रनों की जरूरत है। जो वाइट है मैं चाह रहा हूं अंपायर साहब वो जो लगी है वो लगा दे, जो मामू साहब आपके सामने जो लगा हुआ अंपायर साहब सारी भाई जो लगा दीजिए, थोड़ा सा इतनी धूप है क्या करेंगे, धूप में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अंपायर साहब एक इंसानी है, ह्यूमन है, कोई जीवन जीनोम और कोई रोबोट नहीं। पता नहीं क्या फेस कर रहा है। 24 गेंद पर अब चाहिए 18 रन 14 रनों की जरूरत है क्योंकि उसको जो है अब हटा लिया गया है। 24 गेंदों पर 14 रन भूपेंद्र सिंह एक और सफलता दिला दी यहां भूपेंद्र सिंह ने। अब देखते हैं कौन नया बल्लेबाज जाते
23 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप राहुल जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, राहुल यादव। और खुद जो मैं देख रहा होगी आप क्रिक हीरोज पर भी जो स्कोरिंग हो रही है, आप अपना मुकाबला लाइव स्कोरिंग भी देख सकते हैं। हर चीज यहाँ अपडेट दी जा रही है, एक गेंद की अपडेट है। ये लीजिए एक बढ़िया स्ट्रोक्स लगाया है लेग साइड में, दो फील्डर्स भाग कर आ रहे हैं लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो अब यहाँ 22 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है, 107 रन 6.2 पर। 6 में आपने भी 100 किए थे बल्लेबाजी करते हुए जब टीम रणजी लेवल खेले थे, तो उसके बाद इनकी जो पारी डगमगाई है, अपने आखिरी में 4-5-6 विकेट तो ऐसे दे दिए, लगभग तोहफा के रूप में दे दिए थे। ये बहुत बढ़िया शॉट खेला है। हालांकि दोस्त मैं आपको बता दूं, ये बंगाल के अंडर 19 खेले हुए खिलाड़ी है राहुल यादव, और कई अच्छी इनिंग्स अपनी टीम के लिए खेल चुके हैं। अच्छे क्रिकेटर है, अभी अनुभव की कमी है लेकिन टैलेंटेड बहुत है, बहुत भरोसा रहता है टीम को इनके ऊपर। अकेले दम पर नहीं मैच की तस्वीर बदल रहे हैं बार, सारे लोग लाइक शेयर इनवाइट कर दिया गेंद थोड़ी शॉर्ट जाने से पहले, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तान को जहां पर महमूद मौजूद है, जाने से पहले सारे लोग लाइक शेयर इनवाइट कर दिया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला टीम जो इस वक्त रणजी स्पोर्ट जो खेल रही है, रणजी क्रिकेट बहुत बड़ा नाम है जिन्हें माल्या के नाम से जाना गया, उनकी टीम बहुत अच्छी बनती है, टीम में कोई कमी नहीं है, युवाओं के साथ जो थोड़ा मिश्रण है मैं देख रहा हूँ। ये गेंद जा रही बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ, हालांकि वहां पर टीटू है गेंद को रोक लिया है इसको। अब यहां से 19 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है। लाइक शेयर इनवाइट कर दे, लाइक शेयर इनवाइट कर दे जाने से पहले पहले सारे लोग। तो कहीं ना कहीं जो आपको विश्वास है, मैं पहले ही ओवर से टीम हथियार डाल चुकी थी, एक ओवर में जैसे ही 18 आए टीम ने हथियार डाल दिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, कोई बातचीत नहीं, प्लेयर सिर्फ अपने पोजीशन पर खड़े रहे, कोई हड़ल नहीं, यही होना चाहिए। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, तूफानी गेंदबाजी भूपेंद्र सिंह से देखने को मिल रही है। तो इसमें से जो टीम जीतेगी उनको जो है 5 मिनट का जो है जो ब्रेक होगा, उसके बाद जो है टास कराया जाएगा। जो टीम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो जीत कर बैठी हुई है, उससे जो अगला मुकाबला यहाँ पर जो है शुरू होगा। तो जो 7 स्टार छाऊ की टीम है उनसे उनका मुकाबला जो है खेला जाएगा, जो इस वजह से विजेता साबित होगी। 18 गेंदों पर 9 रन, मैच बिल्कुल करीब आ रहा था लेकिन थोड़ी थोड़ी जो कमियां है कि खिलाड़ियों को सीखना होगा कि मैच में हार जीत तो कोई टीम जीतती है कोई टीम हारती है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपना अच्छा खेल दिखाते ये मायने रखता है। वही प्रफुल्ल है, गेंदबाजी सौंपी गई है, वहां पर फील्डर है हसान ने गेंद को फील्ड कर लिया, एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। तो अब चाहिए 17 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत, उल्टा इक्वेशन चल रहा है मैच के ऊपर। हालांकि वो जो इजी स्कोर है 17 गेंदे 8 रन, ये खराब गेंद थी लेकिन बढ़िया प्रहार देखने को नहीं मिला, इसी से मोनू के चेहरे पर छोटी सी स्माइल है कि खराब होती है, लेकिन भाई का इशारा आया अंपायर सारी का, और ये जो भाई के रूप में जो इशारा आया है। अब चाहिए 16 गेंद पर 7 रन, मैच को थोड़ा लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन देखो उस समय आपको अगले मुकाबले में पहले 4:07 हो गए, मैच में जितना समय मिलेगा उतना फायदा होगा, एक रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जो गेंद बाहर जा रही है मचाओ पर सारे लोग लाइक शेयर इनवाइट कर दें, अंपायर जो हमारे उन तक पहुंचाएगा, 1 रन चाहिए 15 बॉल। डायमंड क्लब लखनऊ ये मुकाबला जीत लिया है, डायमंड क्लब लखनऊ और 7 स्टार क्लब ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, फटाफट आते हैं लाइक शेयर करके सारे लोग, और हम मिलते हैं फटाफट।